कप्तान को आलमी सियासी नक्शे पर लाना पीटीआई की कामयाबी। ट्रंप के आने से इमरान खान को रिहाई मिलेगी या नहीं, सीनियर सहाफी नजम सेठी ने तहलका खेज दावा कर दिया। नजम सेठी का कहना है कि अमरीकी सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर ओवरसीज पाकिस्तानी और मीडिया का प्रेशर होगा कि इमरान खान का क्या बना, इन्हें जेल से बाहर निकलवाएं। इस पर ट्रंप एक आध बयान जरूर दे देंगे, मगर मेरे ख्याल में वो हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं करेंगे। अलबत्ता अमरीकी महकमा खारजा से बयान जरूर आ सकता है कि पीटीआई का ख्याल करें और उन्हें भी सियासी अमल में शिरकत का मौका दें। सीनियर सहाफी ने कहा कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने ट्रंप की जीत का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया और उन्हें कामयाब कराने में अपना किरदार भी अदा किया। इस मामले में उनको दाद देनी चाहिए, मगर आगे कैसे बढ़ना है इस हवाले से पाकिस्तानी पीटीआई की अप्रोच बड़ी हकीकत पसंदाना है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि ट्रंप इंतजामिया हमारे हक में होगी, बल्कि ये कह रहे हैं कि वो गैर जानिबदार होगी। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी पोजीशन है। जबकि बाहर बैठे पीटीआई के लोगों ने इमरान खान को अमरीका, बरतानिया और यूरोप के सियासी नक्शे पर लाने में बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है। इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और 2018 की कमजोर इत्तेहादी हुकूमत कबूल करने को अपनी गलती तस्लीम करने पर नजम सेठी ने कहा कि ये बरवक्त नहीं है, क्योंकि बाद में सभी ऐसी बातें करते हैं। खान साहब को 2014 के धरने से 9 मई तक अपनी दीगर गलतियां भी तस्लीम करनी चाहिए, जबकि यही सब मौजूदा हुकूमत पर भी लागू होता है। इनको भी तस्लीम करना चाहिए कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं जीते थे। फिर हुक्मरान इत्तेहाद को ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए और खान साहब के साथ कोई मुकमका करे। अब ये फंसे हुए हैं, हुकूमत छोड़ते हैं तो उड़ जाते हैं, और अगर नहीं छोड़ते तो मजीद गालियां पड़ेंगी, क्योंकि IMF का प्रोग्राम बहुत सख्त है।